वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज देश मना रहा है सरदार पटेल की जयंती। कुछ ही देर में पीएम मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी एकता दिवस परेड में भी होंगे शामिल, कई अन्य कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। पिछले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की थी अपील, कहा था रन फॉर यूनिटी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो शामिल। केवड़िया जाने से एक दिन पहले गांधीनगर में अपनी मां से मिले प्रधानमंत्री, हीराबा ने गुड़ खिलाकर मुंह मीठा कराया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज दिल्ली में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर करने वाले हैं रवाना। आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिली नई पहचान, 370 खत्म किए जाने के 86 दिन बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने। जम्मू कश्मीर की होगी अपनी विधानसभा, जबकि लद्दाख बतौर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की तर्ज पर करेगा काम, नहीं होगी विधानसभा। जम्मू कश्मीर पुलिस भी केंद्र के अधीन हुई, आधी रात से ही लागू हुआ फैसला। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नहीं होगी विधानसभा, उपराज्यपाल के जरिए सीधे केंद्र का होगा दखल। केंद्र के अधीन होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कामकाज, गिरीश चंद्र मुर्मू बने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, आर के माथुर लेंगे लद्दाख के एलजी के रूप में शपथ। कश्मीर दौरे से लौटा यूरोपीय सांसदों का दल, 370 को बताया भारत का आंतरिक मामला। कश्मीर दौरे पर गए यूरोपीय सांसदों ने पाक की खोली पोल, कहा हिंदुस्तान की तरह आजाद नहीं है पड़ोसी मुल्क की मीडिया। कश्मीर के हालात से संतुष्ट नजर आए यूरोपीय यूनियन के सांसद, आतंकवाद को लेकर भारत पाक में बातचीत की वकालत की। यूरोपीय यूनियन नेताओं से मिलने वाले तीन कांग्रेसी नेताओं से पार्टी नाराज, उस्मान मजीद, सुंदर चांदनी और फारूक अंद्राबी को थमाया कारण बताओ नोटिस। पाकिस्तान ने गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ पर जारी किए 50 रुपए के सिक्के, प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीरें। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे सीएम योगी, दिवाली के बधाई दी और सेहत का हाल पूछा, शिवपाल यादव भी मौजूद। कोलकाता पहुंचे कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 5 मजदूरों की लाशें, एयरपोर्ट पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। एयरपोर्ट से सभी शवों को मुर्शिदाबाद भेजा गया, एक जख्मी मजदूर को एसएसकेएम में भर्ती कराया गया। कुलगाम में 5 मजदूरों की हत्या में खुलासा, हिजबुल मुजाहिदीन के एक गुट और जैश ने मिलकर रची साजिश। हिजबुल का एजाज मलिक था कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड, घटना से एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने किया था ढेर। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बरकरार, बीजेपी ने सहयोगी शिवसेना को 14 कैबिनेट मंत्री पद देने का ऑफर दिया, उद्धव की पार्टी 18 पर अड़ी। दोनों पार्टियों में सुलह के फॉर्मूले पर बातचीत, बीजेपी ने डिप्टी सीएम पद का भी दिया ऑफर। मुंबई में आज शिवसेना विधायक दल की बैठक, आदित्य ठाकरे चुने जा सकते हैं नेता। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस, कहा पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने जमकर की उद्धव की तारीफ, कहा गठबंधन की ही बनेगी सरकार। पीएमओ में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा आपके कठिन परिश्रम से ही तमाम कार्य हुए सफल। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि, शक्ति स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी हल्ला बोल, देश भर में प्रदर्शन की तैयारी। 4 नवंबर के बाद होगा हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार, जेजेपी की गृह और वित्त सहित कई अहम मंत्रालयों पर टिकी नजर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर हमला, कहा बीजेपी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा न्योता, 9 नवंबर को है कार्यक्रम। सिद्धू को न्योते पर बीजेपी नेता अनिल विज बोले, वो भारत में पाकिस्तान के प्रतिनिधि, इसलिए पाक उन्हें बार बार बुलाता है। वो हमेशा पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तानियों की भाषा बोलते हैं, वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना की नगर सेविका सीतल महात्रे को ट्विटर के जरिए मिली जान से मारने की धमकी, केस दर्ज। मेरठ में बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर जमीन की धोखाधड़ी में केस दर्ज, उनके बेटे का भी नाम शामिल। देश के भावी सीजीआई जस्टिस शरद अरविंद बोबडे का राम मंदिर को लेकर बयान, कहा इस मामले में फैसला सभी के लिए अहम।
जस्टिस बोबडे ने न्यायपालिका और सरकार के बीच मतभेद को किया खारिज, कहा संविधान के सभी स्तंभों में संबंध स्वस्थ और परिपक्व। आरएक्स मीडिया केस में 14 दिनों के लिए बड़ी पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत, ईडी को नहीं मिली कस्टडी। अलवर में पहलू खान के बेटों के खिलाफ रद्द होगी गौ तस्करी से जुड़ी एफआईआर, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश। शाहजहांपुर रेप में चिन्मय आनंद को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, जमानत अर्जी पर अब 8 नवंबर को सुनवाई। शाहजहांपुर में चलती कार में धमाके के साथ लगी आग, उसमें सवार दो लोगों ने कूदकर बचाई जान। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में वीडियोकॉन के गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे की वजह से अब तक साफ नहीं। कन्नौज में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस पर युवक ने किया हमला, होमगार्ड जवान गंभीर रूप से जख्मी। महोबा में दारोगा की बेरहमी सामने आई, दो पक्षों में मामूली कहासुनी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे दारोगा ने की महिला की पिटाई। प्रयागराज में एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और फायरिंग, दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर में अवैध तमंचे फायरिंग का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में एक शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, कर्ज और घरेलू कलह की वजह से पत्नी बेटे बेटी की हत्या के बाद किया सुसाइड। दिल्ली के रानीबाग इलाके में व्यापारी के घर से दिन दहाड़े चोरी, 2.5 लाख कैश और 25 तोला गहने लेकर बदमाश फरार। वाराणसी में एडीजी ऑफिस में सिपाही की पत्नी ने की सुसाइड की कोशिश, पति से जीवन यापन का खर्च नहीं मिलने की वजह से खाया जहर। कोल्हापुर में दूध संघ की बैठक में बवाल, दो पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। बेगूसराय में सरकारी अस्पताल ने बच्चे का शव ले जाने से नहीं दिया एम्बुलेंस, परिजन बाइक पर ले गए घर। विदिशा में सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, एक ही बाइक पर चारों थे सवार, अज्ञात गाड़ी से टकराकर हादसे की आशंका। मध्य प्रदेश के श्योपुर से विधायक बाबू जंडेल को 1 साल की सजा, 2008 में सिंचाई विभाग के अफसर से की थी मारपीट। गाजियाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश और उसका साथी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, बाइक और अवैध हथियार भी जब्त। लुधियाना पुलिस ने चलाई भिखारियों को पकड़ने की मुहिम, सड़कों पर भागते दिखे कई भिखारी। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में ट्रकिंग के दौरान फंसे 2 इजरायली नागरिकों को बचाया गया, हिमालयन माउंटेनियरिंग टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता ने वीडियो को धमकाया, वीडियो हुआ वायरल। अजमेर में कपड़ा व्यापारी के अपहरण की कोशिश नाकाम, पुलिस ने इस मामले में 2 को किया गिरफ्तार, 3 फरार। नोएडा में अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाने वाला शख्स गिरफ्तार, कन्नौज के चेयरमैन को फंसाने की थी योजना। मुरादाबाद में 27 अक्टूबर को हुई 2 हत्याओं के मामले में खुलासा, तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई थी वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में भिड़ंत, मारपीट में 5 लोग जख्मी। पटियाला में उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर की जेल में हुई शादी, हाईकोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने किए तमाम इंतजाम। गया में वीडियो ने अपने मकान के छत से कूद कर किया सुसाइड, घरेलू विवाद में खुदकुशी की आशंका। विशाखापट्टनम में तेजी से जा रहे बाइक सवार ऑटो को टकराए, 2 की मौत। भिंड में शराब के पैसे नहीं देने पर दबंगों ने दलित युवक की पिटाई की, बीच बचाव करने आए बुजुर्ग मां बाप पर भी हमला। कानपुर में पत्रकार की हत्या के बाद बवाल, परिवार ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। सुल्तानपुर ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी की सरेआम हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। बिहार के भागलपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक पर सवार सभी 4 युवकों की मौत। भोपाल में एक रेस्टोरेंट के ग्राहक और कर्मचारियों के बीच जमकर चले लात घूसे, पुलिस ने दोनों गुटों पर दर्ज किया केस। पटना के दानापुर में नाविकों का हंगामा, घाट बंद होने को लेकर नाराजगी, विरोध करने पर दबंगों ने नाविकों के साथ की मारपीट। देशभर में महापर्व छठ का आगाज, आज नहाय खाए के साथ 4 दिनों तक मनेगा पर्व। दिल्ली के कालका जी इलाके में छठ घाट बनाने को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी पार्षद और आप विधायक सौरभ भारद्वाज, दोनों तरफ से समर्थकों ने की नारेबाजी। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छठ घाटों पर तैयारियों का लिया जायजा, कमियां देख अधिकारियों की लगाई क्लास। नालंदा में छठ के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर पुलिस वालों ने एसपी आवास का घेराव किया, जताई नाराजगी। पटना के एसकेएस मेमोरियल हॉल में छठ पर्व की सुरक्षा को लेकर पुलिस की बैठक, सोते दिखे कई पुलिस वाले। कल देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से अकोला में 4 लोगों की मौत, अमरावती में भी 2 की गई जान। दमोह में उपज मंडी में किसानों ने किया प्रदर्शन, सोयाबीन का रेट कम देने के आरोप में व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग।
संगरूर में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई, 200 मामलों में 5,76,000 का जुर्माना लगा, सैटेलाइट कैमरे में रखी जा रही नजर। दिल्ली में सभी स्कूलों को बाहरी एक्टिविटी बंद करने को कहा, प्रदूषण की वजह से राज्य सरकार का फैसला। आज दिल्ली पुलिस को मिलेगा नया मुख्यालय, लुटियंस जोन में स्थित इमारत का गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक, आज दोपहर से थोड़े सुधार की उम्मीद। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम में 5 नवंबर तक फैक्ट्री बंद, 12 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर भी रोक। दाऊद इब्राहिम के सहयोगी को जमीन बिक्री के मामले में राजकुंद्रा से ईडी फिर सोमवार को करेगी पूछताछ, बुधवार को 10 घंटे तक हुए सवाल जवाब। कल हुई पूछताछ में राजकुंद्रा ने कहा कभी भी इकबाल मिर्ची से नहीं की बात, ईडी बोली जांच में किया सहयोग। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, सेक्टर 113 में यूनिटेक ग्रुप का जमीन आवंटन रद्द। मध्य प्रदेश के दतिया में सड़क हादसे में 4 महिलाओं की गई जान, 20 घायल। राजस्थान के कोटा में हाईवे पर चलती कार में आग, जिंदा जला एक शख्स। दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख की कीमत का सोना जब्त। आईआरसीटीसी ने बदले टिकट कैंसिलेशन के नियम, अब बगैर ओटीपी के नहीं मिलेगा रिफंड। जियो की फ्री कॉल खत्म होने का खतरा मंडराया, जल्द ही न्यूनतम चार्ज तय करने का आसार। टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार जल्द खोल सकती है राहत का पिटारा, सचिवों की समिति स्पेक्ट्रम पेमेंट पर 2 साल की छूट को मंजूरी दे सकती है। नोटबंदी के बाद एक और बड़ा कदम उठा सकती है सरकार, गोल्ड में कालाधन लगाने वालों पर कसेगी नकेल। इंडिगो की अब तक की सबसे बड़ी डील, 300 एयरबस A320 न्यू विमानों का दिया ऑर्डर, $33 अरब होगा खर्च। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने 2 साल के प्रतिबंध को किया कबूल, कहा मैंने की थी गलती, जोरदार तरीके से करूंगा वापसी। दिल्ली में 3 नवंबर को होने वाली T20 को शिफ्ट करने की मांग ने पकड़ा जोर, पर्यावरण के जानकार बोले खतरनाक हो सकता है खेलना। पहले T20 से पहले ही बांग्लादेश के कप्तान मोहम्मदुल्ला ने कहा कबूली हार, बोले मुश्किल है भारत को भारत में हराना। एडन गार्डन के क्यूरेटर का दावा, ओस नहीं बनेगी पहले डे नाइट टेस्ट में बाधा, 22 नवंबर से होना है बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला। बेंगलुरु में एनसीए चीफ राहुल द्रविड़ से मिले बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली, भविष्य के रोड मैप को लेकर हुई चर्चा। आईएसआईएस चीफ बगदादी के ठिकानों पर बमबारी का वीडियो सामने आया, अमेरिका की इसी कार्रवाई के बाद बगदादी ने खुद को उड़ाया। लगातार बढ़ते दबाव के बीच ट्विटर ने सियासी विज्ञापनों पर लगाई रोक, 22 नवंबर से लागू होगा फैसला। कैलिफोर्निया के जंगल में आग से सैकड़ों घोड़ों को बचाया गया, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लॉस एंजल्स में लगातार फैलती जा रही आग, हजारों घरों पर मंडराया खतरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोलंबिया में 5 सुरक्षा गार्ड की हत्या, मिलिट्री के मुताबिक विद्रोहियों पर हमले का शक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।